Hi everyone, welcome to Flavors Den. आज हम बनाने वाले हैं आलू टोस्ट मुंबई सैंडविच बिल्कुल चौपाटी स्टाइल। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं टेस्टी चटपटा आलू टोस्ट मुंबई सैंडविच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आलू टोस्ट बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े आलू, उसे हमने उबाल लिया है और उसके छिलके निकाल लिए हैं। उसे अच्छी तरह से स्मैश कर लेंगे। इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून हरी मिर्च जिसे हमने कूट लिया था और नमक टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आलू को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से होना चाहिए। आलू टोस्ट के लिए अब हम बनाएंगे मैदे का घोल। हमने लिया है 1/2 कप मैदा। इसमें हम डाल रहे हैं नमक स्वाद के मुताबिक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत मुताबिक पानी डालकर एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हमारा बैटर रेडी है। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइस। मैं यहाँ पर 3 ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ, वो भी बड़ी साइज में। आप चाहे तो छोटे साइज का ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आलू के पेस्ट को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आलू की एक थिक लेयर ब्रेड पे होनी चाहिए। आलू की एक थिक लेयर लगाएंगे तो ही आलू टोस्ट बहुत ही टेस्टी बनेगी। चम्मच की मदद से आलू को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम बाकी ब्रेड स्लाइसेस पे भी आलू का स्प्रेड लगा लेंगे। अब ब्रेड स्लाइसेस रेडी है फ्राई होने के लिए। अब हम लेंगे मैदे के बैटर को। मैदे के बैटर में हम ब्रेड स्लाइस को डिप करेंगे, लेकिन सिर्फ आलू वाली साइड ही हम डिप करेंगे, दूसरी साइड को हम डिप नहीं करेंगे। अच्छी तरह से डिप करने के बाद ब्रेड स्लाइस को निकाल लें और ऊपर से थोड़ा सा और मैदे का घोल डालेंगे। इससे आलू टोस्ट और क्रंची बनेगा। इसे हम लेके अब गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। धीरे से हम कढ़ाई में ब्रेड स्लाइस को रखेंगे। आलू टोस्ट को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बैटर वाली साइड जब हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और ब्रेड वाली साइड हम क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू टोस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी आलू टोस्ट को भी फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम क्रंची है, बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। अब इस पर हम लगाएंगे सॉसेस। पहले हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को हमने पीस लिया है और बन गई है ग्रीन चटनी। इसके बाद हम डाल रहे हैं इमली की चटनी।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम डालेंगे लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। ये बहुत सिंपल है। लहसुन और सूखी लाल मिर्च को थोड़ी पानी के साथ पीस लीजिए और लहसुन और लाल मिर्च की चटनी रेडी। सारे चटनी डालने के बाद इस पर हम डाल रहे हैं प्याज और बारीक सेब। इसे बीच में इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो 4 पीस में कट कर सकते हैं इसे। चौपाटी स्टाइल आलू टोस्ट मुंबई सैंडविच रेडी है। आप भी जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वॉचिंग।